नमस्कार, मैं प्रिया। धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। 19 जुलाई से जेल में बंद राज कुंद्रा को सोमवार को बड़ी राहत मिली। मुंबई की सेशंस कोर्ट ने 50,000 के मुचखले पर उन्हें जमानत दे दी है। पति राज कुंद्रा की जमानत के बाद अब शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया पर पहला पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि इंद्रधनुष यह साबित करता है कि एक बुरे तूफान के बाद भी खूबसूरत चीजें हो सकती हैं। बिहार के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल मंदार पर्वत पर सीएम नीतीश कुमार ने रोपवे का विधिवत शुभारंभ कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सालों पहले यहां हम लोग आते थे, लेकिन ऊंचाई के कारण हमेशा नीचे से ही लौटना पड़ता था। आज रोपवे की शुरुआत करने के बाद पहली बार पहाड़ पर बने मंदिर तक जाने का मौका मिला है। ऑनलाइन पेमेंट पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित होने वाला है। आरबीआई ने ऑनलाइन पेमेंट के लिए 1 जनवरी 2022 से कार्ड टोकनाइजेशन प्रणाली लागू करने की मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था में ऑनलाइन पेमेंट के लिए अब टोकन सिस्टम लागू होगा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के झारखंड दौरे को लेकर एमएलसी संजय पासवान ने बड़ी बात कही है। उन्होंने तेजस्वी यादव के झारखंड दौरे को बेमतलब का बताते हुए कहा है कि उन्हें इसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। झारखंड में राजद का कोई अस्तित्व ही नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने आतंक विरोधी वैश्विक योजना में भारत की सक्रिय भूमिका होने की बात कही है। एएनआई से इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आतंकवाद से मुकाबले के लिए सामूहिक प्रयास में भारत हमेशा आगे रहा है। तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत पहले भी आतंक के विरोध में रहा है और आगे भी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल लोगों को इससे राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक कई राज्यों में सामान्य से मध्यम और भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं आज से एक बार फिर दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई गई है। पंजाब की नई सरकार कामकाज संभालने के पहले ही दिन अपने पहले ही आदेश के साथ सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी का शिकार हो गई है। नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने दोपहर को राज्य के सभी हड़ताली मुलाजिमों से काम पर लौटने की अपील की और शाम को छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के संबंधी अधिसूचना भी जारी कर दी। सरकार के इसी फैसले ने कर्मचारियों का गुस्सा भी भड़का दिया है। पाकिस्तान में एक हिंदू लड़की ने वो उपलब्धि हासिल की है इससे पहले किसी हिंदू लड़की ने नहीं की थी। 27 साल की डॉक्टर सना रामचंद गुलवानी सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज की परीक्षा पास करने में सफल रही है। सना रामचंद पहली हिंदू लड़की है जिसे यह उपलब्धि हासिल हुई है। उसी देश में कोरोना वैक्सीन के निर्यात को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम की शुरुआत जल्द ही की जाएगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन मैत्री को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर दिसंबर में अतिरिक्त टीकों का निर्यात किया जाएगा। ब्रिटेन के नए यात्रा प्रतिबंधों से भारतीय टीकों को मान्यता नहीं देना और इन्हें लगवा चुके लोगों को वहां पहुंचने पर 10 दिन के अनिवार्य क्वारंटीन में रखने के फैसले का कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने अपमानजनक करार दिया है। शशि थरूर ने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत के इस फैसले से जातिवाद की बू आती है। बिहार में भ्रष्टाचार में संलिप्त सरकारी कर्मचारी के खिलाफ सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। आईपीएस बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी समेत डीटीओ और अन्य लोगों के यहाँ छापेमारी करने के बाद अब बिहार में करोड़पति कांस्टेबल के यहाँ छापेमारी जारी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और शिवसेना नेता अनंत गीते ने मंगलवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा जिन्होंने अपनी पार्टी बनाने के लिए कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपा था वो शिव सैनिकों के लिए गुरु नहीं हो सकते। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 26,115 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 252 लोगों की जान गई है। वहीं 34,469 संक्रमित मरीज ठीक होकर घर लौट गए हैं। वहीं देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या की बात करें तो यह 3,35,04,534 पर पहुंच गई है, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या वर्तमान में 3,09,575 पर है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि अफगानिस्तान के पड़ोसी होने के नाते भारत का उस देश में हुए हालिया बदलाव और क्षेत्र पर उसके असर को चिंतित होना स्वाभाविक है। इसमें लंबित मुद्दे को उठाया गया है और मांग की गई है कि अफगान सरजमी का आतंकियों के प्रशिक्षण शरण साजिश या फिर वित्तीय पोषण के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। न्यूजीलैंड के एन वक्त पर पाकिस्तान द्वारा रद्द करने से निराश बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज रजा को दोहरा झटका लगा है। अब इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया है, जिसके बाद रमीज रजा ने कहा कि इंग्लैंड ने क्रिकेट बिरादरी के एक सदस्य को निराश किया है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत के बयानों पर विवाद थमते नहीं नजर आ रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाने के बाद पंजाब का अलग चुनाव नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में लड़ने के उनके बयान पर बवाल मचा हुआ है। अब हरीश रावत ने सिद्धू के समर्थकों में एक और बयान देते हुए पाकिस्तान के सेना प्रमुख को पंजाबी भाई बताया है।
बसपा वित्त विहीन शिक्षकों को अपने साथ जोड़कर बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। प्रदेश में करीब 18,000 स्कूलों में 2.43 लाख वित्त विहीन शिक्षक पढ़ा रहे हैं। बसपा इन्हें अपने साथ जोड़कर यह संदेश देना चाहती है कि वो सत्ता में आने पर ऐसे वर्गों के लिए बहुत कुछ करेगी। प्रदेश में 47,546 संविदा और 2,73,657 आउटसोर्सिंग के कर्मचारी है। बारिश से पश्चिम बंगाल को फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी में दो मौसमी चक्रवात की स्थितियां नजर आ रही हैं। इससे अगले 24 घंटे बारिश की संभावना बनी हुई है। दूसरी तरफ दो दिनों की लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जल जमाव देखने को मिल रहा है। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के 13 साल से ज्यादा पुराने वित्तीय परिणामों में प्रति शेयर घटी हुई आय की कथित गलत घोषणा से संबंधित मामले में उस पर कोई जुर्माना लगाए बिना न्यायिक कार्रवाई का निपटारा कर दिया है। सेबी ने मुख्य रूप से दो आधारों पर कथित उल्लंघनों के लिए कई जुर्माना नहीं लगाने का फैसला लिया है, जिनमें यह शामिल है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि चीनी कंपनियों ने हाल ही के दिनों में भारत में राजमार्ग परियोजनाओं में निवेश नहीं किया है। इससे पहले चीन के साथ सीमा गतिरोध के बीच गडकरी ने जुलाई 2020 में कहा था कि भारत चीनी कंपनियों को राजमार्ग परियोजना में भाग लेने की मंजूरी नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जजों के ट्रांसफर को लेकर केंद्र सरकार को सिफारिश भेज दी है। अप्रूवल के बाद 13 हाईकोर्ट को नए चीफ जस्टिस मिल जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 79.74 करोड़ से अधिक खुराक दे दी गई है और 33 लाख से अधिक खुराक दी जाने की तैयारी जारी है। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 5.34 करोड़ से अधिक खुराक मौजूद है, इसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। सीटीईटी परीक्षा के 15वें संस्करण का आयोजन सीबीटी मोड में 16 दिसंबर 2021 से 13 जनवरी 2022 तक किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट यानी cteet.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली की सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गोवा में नौकरियों और बेरोजगारी के बारे में 7 घोषणाएं की। साथ ही वो राज्य में युवाओं की सरकारी नौकरियों में पहुंच सुनिश्चित करेंगे। बेरोजगार लोगों को 3,000 रुपए का भत्ता भी दिया जाएगा। कोरोना वायरस पर एक राहत की खबर आई है। विशेषज्ञों ने दावा किया है कि भारत में अब कोविड-19 पहले जैसा विकराल रूप नहीं ले सकेगा। यह महामारी अब एंडेमिक बनने की राह पर है। वैक्सीन विशेषज्ञ डॉक्टर गगनदीप कांग ने रेखांकित किया है कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमण संभवत स्थानिकता या एंडेमिसिटी की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के अंदर ही खूनी खेल शुरू हो गया है। तालिबान में दो गुट बन गए हैं। सत्ता हथियाने की कोशिश में दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो गया है। ब्रिटेन की एक मैगजीन ने बहुत ही बड़ा दावा किया है। मैगजीन ने दावा किया है कि हिब्दुल्ला अंखुदजदा की जान ले ली गई है। एक धरे ने तालिबान के सर्वेसर्वा हिब्दुल्लाह अंखुदजदा की जान लेने की पुष्टि की है। महंत नरेंद्र गिरी की जान जाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व का गला दबा दिया गया है। उन्होंने शीर्ष संत की रहस्यमय परिस्थिति में जान जाने की सीबीआई जांच कराने की भी मांग की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और शिवसेना नेता अनंत गीते ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी बनाने के लिए कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने वाले नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी प्रमुख शरद पवार शिवसैनिक के लिए गुरु नहीं हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएनजीए की बैठक में हिस्सा लेने के लिए मंगलवार को अमेरिका के दौरे पर रवाना हो गए हैं। बैठक के 76वें सत्र के साथ साथ वो विश्व नेताओं के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी के अलावा इस अहम बैठक में भाग लेने के लिए 100 देश के राष्ट्राध्यक्ष भी अमेरिका आ रहे हैं। भारत महिला क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के बीच 3 मुकाबले की वनडे सीरीज खेली जा रही है। पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में भारत की तरफ से खेल रही कप्तान मिताली राज ने 61 रनों की पारी खेली। वहीं मिताली ने करियर में 20,000 रनों का आंकड़ा पार करने के साथ साथ वनडे इंटरनेशनल में यह उनका लगातार 5वां 50 भी था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है विश्व टेक्निकल पॉइंट, ओमकार सिंह, उपेंद्र कुमार, अनवर हुसैन, कुमारी उषा, गुड्डू कुमार, रंगीला राजा कॉमेडी, सचिन कुमार कुशवाहा, रिया वर्मा, राजेश सोंथियाल, संतोष कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आईपीएल 14वें के बाद आरसीबी की कप्तानी छोड़ने का विराट कोहली का फैसला सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।